व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे मौलाना बोल रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ को गुंडा मवाली, फिर हो गया बढ़िया इलाज। ऐसा का इलाज बढ़िया ही होना चाहिए। देखते हैं कौन कमी नहीं रहनी, कौन है हवाबाज। तो मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है और भैया ऐसी हरकतों से बचे, अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने। 1 2 3 गो। राजनीति क्या है, उसमें बीजेपी हो वो पूरा फायदा उठा रही है। कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी एनआरसी का मुद्दा, कभी सिविल कोर्ट, कभी गानवापी मस्जिद। इससे पहले क्यों नहीं याद आते इन गुंडों को? ये गुंडे मवाली है नहीं है, जो हुकूमत के अंदर बैठे गुंडे मवाली है लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई है, ये सच्चाई में अपनी है। सच्चाई तुझे नहीं समझ आ रही? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, गुंडे मवाली लोग हैं। ये गानवामी मस्जिद आ गई, कभी बाबरी मस्जिद आ गई, कभी सिविल कोर्ट आ गया, कभी एनआर। तुम्हें इसी इन्हीं टाइम पर सब चीजें। जैसा को लगता है अंदर से तकलीफ है, इसका शरीर जो है वो कोई भारी डोज मांग रहा है। कोई प्रदर्शन सामने, शायद सीए का प्रदर्शन सामने आने वाला है, उसी में इसको डोज मांग अच्छा रहा है। डोज की जरूरत पड़ेगी। अरे यूपी पुलिस तो तैयार ही है अब की बार अच्छा ठंडक देने के लिए। दिल्ली पुलिस भी अब तैयार है। केस मैं दाखिल करूंगा नरेंद्र मोदी, पहला नरेंद्र मोदी पे पहला केस मैं भारत का पहला दाखिल रखूंगा। ये रंगा भी लो मोदी, अभी जाओ और देख लो। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में केस दे चुका हूँ। क्यों केस करने जाएंगे? देखो हरीश, देखो दे चुका हूँ कि देखो लिस्ट आ चुकी है। किस बात पे केस? हाँ क्या कर रहे हैं सब प्रधानमंत्री? हमारे देश में 70 साल 50,000 करोड़ का सिर्फ हमारा कर्जा था, आज उन्हें 100 करोड़ रुपया लिया। किस लिए लिया, किसके लिए लिया, देश के लिए? कौन सा विकास? एक एक पैसे के साथ दो, हिसाब दो। रहने दे मौलाना, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा एजुकेशन। हमें लगता है इस महीने का फ्री वाला राशन तेरे घर पे गया नहीं या फिर तू पाया नहीं। मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा। ये सीए के कानून में अप्लाई मत कर दे, बहुत बड़ा धोखा है। उनकी नागरिकता मिलने की उम्मीद जो ये अभी 11 साल से कम करके 6 साल बता रहे हैं ना, धोखा, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने आपको भी एग्जांपल देके बता दिया। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का भाई या बहन भारत में नागरिकता चाहता है तो वो मेरे ऑफिस आ जाए, हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता देगा। मंत्री का प्रसाद नहीं है लल्ला कि तू किसी को भी देता फिरेगा। ये ले थोड़ा, तू ले थोड़ा, तू ले थोड़ा, तू ले, तू अपना टेंशन ले क्योंकि आने वाले समय में तेरे को भी अपना कागज खोजना पड़ेगा। तू दूसरों का टेंशन मत ले। 4.5 साल में भाजपा का नेतृत्व में केंद्र में सरकार रही है, पूरे देश पे लगभग लगभग ज्यादातर राज्य में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इन्होंने एक भी घोटाला नहीं कर पाई है। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि विपक्ष मजबूत था, विपक्ष में कांग्रेस सरकार थी, इसलिए इन लोगों को घोटाला नहीं करने दिया। तो मैं सभी जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि हमेशा कांग्रेस को विपक्ष में रखना है ताकि सत्ताधीश पार्टी कभी भी घोटाला नहीं कर सके। तो आप सबसे यही निवेदन है, 4.5 साल के अंदर जो जिस तरीके से कांग्रेस ने विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई है, आगे भी हम कांग्रेस को विपक्ष में रखना चाहते हैं और विपक्ष में रहेगी ताकि सत्ताधीश पार्टी कभी भी जो मैं भाई के बात से पूरा सहमत हूं। ये भाई अगर देश को बचाना है, देश को आगे लेके जाना है तो कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा ओपोजिशन विपक्ष में। बाकी मुन्ना भाई की फैमिली क्या सोचती है कमेंट करके बताना, ठीक है? उसकी जगह वही है ना भाई, गुंडागर्दी खत्म है। सच्चाई तो यह है उन्होंने क्या किया पहली सरकार ने मुसलमानों के लिए, बताओ आप, उठा कर देख लो। झगड़ा हुआ था उसी को, उसमें हुआ था मुजफ्फरनगर में, किसके दौर में हुआ? कांग्रेस की सरकार थी, असम में क्या हुआ? 2000 मुसलमान आए तो भी कुछ नहीं हुआ उनका। प्रधानमंत्री आप कौन चाहिए आपको? ये मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। मुन्ना जी ने सबूत भी दे दिया क्या बात कि है? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे और जब से वो पक्ष में है नहीं हो रहे दंगे, क्योंकि वो मजबूत है और इसी मजबूती को कायम रखना है भारत को। बाकी जो कुछ लोग फटफड़ाने की कोशिश करते हैं उनके पास को कतर दिया जाता है, उनको शांत ठंडक दिला दी जाती है बाबा की पुलिस द्वारा। बताओ तुम यार, सारी चीज थारी, विधायक थारे, पुलिस थारी, सरकार थारी, सारी चीज थारी। अहंकार किसकी है? क्या तुम्हारी सरकार नहीं है? भाई हमारी सरकार तो है नहीं, हिंदू की सरकार। एक मिनट जाइए, आपकी सरकार कौन सी है? हमारी सरकार तो कोई भी नहीं है भाई। कांग्रेस आपकी सरकार है क्या? ना हमारी बीजेपी आपकी है, वो भी हिंदू है सरकार। कांग्रेस भी हिंदू। आपकी सरकार कौन सी होगी? है वो होगी सरकार जो अगर मुसलमान का मुसलमान वो प्रचार है नेता बने वो बनेगा। सरकार बनानी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम प्रधानमंत्री हो, इसको बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए। वो तो तेरा सपना है, वो शायद सपना ही रहेगा, लेकिन अभी तेरे को मानना पड़ेगा जो हिंदुस्तान में सरकारें हैं उनको तो तेरे को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो मनवाना भी जानती है सरकारें। एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तंजा कर रहा हूँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे, कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। देखो रोजेदार भाइयों, आपके लिए कितनी अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, कितनी अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी आते हो, कमेंट में कुछ नहीं लिखते, लाइक भी नहीं करते। अम्मी ने अगर मना किया तो उनको भी समझाओ कि मुन्ना भैया अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो में इस प्रकार की जानकारी मैं लाया था,
जिससे आपका रोजा भी बचा रहे, तो लाइक करके जाया करो। थक में जंग होनी चाहिए कश्मीर की। बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़ी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है, जहाँ पे अट रही है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। भिखारी बेटा, अगर बॉर्डर खोल दिया जाएगा तो तुम्हारी बीबी, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दीदी, तुम्हारी अम्मी सब जाएगी। बाकी तूने जो अंदर की बात बताई कि पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था, पर नेहरू जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन तेरी जानकारी अच्छा है। गुड बॉय। दोगला तो तुम ही लोग हो ना, हमारे यहाँ भी हैं, हम मानते हैं, लेकिन गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां। घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। सही बात। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जीवन जुबान सिल जाती है? सीधी बात, नो बकवास। केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे। अगर कोई मोटा भाई केजरी मियां को तो जेल की रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो आप उनको 5 किलो राशन दोगे तो रोहियों में जाके बांट देंगे। तो इसको भी बिगाड़ेंगे, क्योंकि मांग रहा है, छोड़ दे रहा है, इसका दिया कर रहा है, देने वाला अल्लाह पाक सबको। अच्छा, इसको दिया कर रहा है, जोर से ले लो, डोल ले रहा है, जबरदस्ती दे रहा है, मतलब इससे कोई मांग रहा है? जी हाँ, सरकार गलत काम कर रही है। भी नहीं करते। अगर मौलाना को अल्लाह दे ही रहे हैं तो बीच में आप अपना 5 किलो राशन लेकर क्यों घुस रहे हो? और अधिकारी भेज कर इसका राशन कार्ड वापस लिया जाए, क्योंकि इसके साथ तो भाई धोखा हो रहा है, इसको जन्नत भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसको इस बड़े गुनाह से मुक्त किया जाए राशन ना देकर। ये देख, इंजेक्शन भरकर लगा रहे हैं ये रिक्शा वाला, ये काम करते हैं भाई, ये अभी वैन चेक कर रहा है और ये इसने लगा दिया इंजेक्शन। ये देखो, ये दिल्ली है भाई, अब ये इसने इंजेक्शन लगा दिया, अब ये मेरी तरफ देख रहा है, देखो हाँ, अब ये, अब इसने मुझे देख लिया, अब ये निकल के भाग जाएगा, अब ये देखो, ये गया गया, अब ये चल रहा है। अभी मैं इसकी रिक्शा का नंबर दिखाता हूँ आप, ये देखो इसकी रिक्शा का नंबर है, ये देखो, सारा ट्रैफिक राइट साइड में आ रहा है और ये रॉन्ग साइड में जा रहा है, ये नशा करके ये काम करते हैं, भगवान ही बचाया ऐसी रिक्शा वालों से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दारू तो फ्री में बांट रही थी, ये तो मैंने सुना था, लेकिन इंजेक्शन भी फ्री में बांटती है, ये तो पहली बार देखा। उसे आने वाले समय में जो लक्षण दिख रहे हैं, उसे यही लग रहा है कि घोटाले भी दबा के होंगे, हो भी रहे हैं, और नशेड़ियों का जलवा होगा। अनुमान लगा लो कि जो बंदा अपने ही हाथ में इंजेक्शन डाल रहा है भाई, बाकी कुछ लोग होते हैं जो इंजेक्शन लगवाने में जाती है, लेकिन ये बंदा खुद अपने हाथ में लगा रहा है, तो अजीब बात है। और ये इसके रिक्शे पे जो बैठेगा उसका क्या होगा? आपका नेता कौन है? हमारा नेता लालू है। क्यों? उन्होंने जादो को ऊपर उठाया है। जादो जैसे कि इतना खड़ा रहा था फॉलोअर साहब, हम लोग बेचैन थे, आज उन्हीं का देन है, ऊंचा उठाया है जादो को। तेजस्वी यादव थोड़े जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो ये बदलाव कैसे आया? क्योंकि आपके पिता भी कहते होंगे ना कि आरजेडी को जाके वोट करो, लालू को वोट करो, वो नेता हमारा वो है। नहीं नहीं, नहीं। हम लोकतंत्र है, वो उनका मत है, वो घर के अंदर भी लोकतंत्र है, मतलब ये बात। मेरी पत्नी कहाँ देगी, वो देगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। तो आप किसको वोट करते हैं? हम लोग तो भाजपा को करते हैं। कारण क्या समझ में आता है भाजपा को वोट करने? भाजपा अच्छा काम कर रही है, देश के अंदर अच्छा काम कर रही है। जमाने में किस प्रकार से माइंड वॉश किया जाता था, उदाहरण आपके सामने, जो कहते हैं कि अब जातिवाद है, अब धर्म की राजनीति हो रहा, लेकिन इस दादा को देखो, दादा अपने जात पर अड़ा हुआ कि लालू यादव ने यादवों को पढ़ाया इसलिए हम उनको वोट देते, और उन्हीं उनका न्यू जनरेशन, उनका लड़का कह रहा है कि बीजेपी ने देश को पढ़ाया है इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेश जो है इन्वेस्टमेंट, उसका हम लोगों ने करवाया था, जो यहाँ इन्वेस्टर मीट हुआ था। तेजस्वी यादव की समझ क्या है, ये जो MOU जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2,000 करोड़। तो वहाँ कौन देश का बड़ा उद्योगपति उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए। कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री यहाँ चालू करने के लिए कंक्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। अब तो चमचे ही चमचे का बैंड बजाने लगे, इससे अच्छा दिन और क्या आएगा? क्या सोचते हो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं,
क्या समझते हैं, जो भी क्लिप में आपको दिखाया उनमें से किस क्लिप पे आपका बढ़िया। और ये जागरूकता के लिए ना ये बहुत सही वीडियोस हैं कि कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं कि इस तरीके से। भाई देखो मैं वोट डालता हूँ ना, मैं नहीं देखता बीजेपी किसको, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए है तो मैं देखता हूँ कि भैया कौन स्ट्रांग मुझे दिखता है, कौन लीडर है जो देश को संभाल सकता है और कौन अच्छा काम करता आया है और अभी तक जो रहा है जितना भी बढ़िया वक्त रहा है अपने देश का। अगर मोदी जी की बात करें बहुत बढ़िया काम हुआ, डेवलपमेंट हर एक चीज चल रही है, तो वो एक जात पर रख के होता है। यानी अब ऐसे तो मैं कहता हूँ मोदी तो गुजराती है नहीं भैया मैं तो हरियाणा का हूँ, ये उधर की, ये यूपी की है, ऐसे ऐसा नहीं होता ना, हर एक चीज लॉजिकली भी चलना होता है क्योंकि एंड ऑफ द डे आप प्राइम मिनिस्टर देश के बना रहे हो, अपने कोई पर्सनल उसके, ठीक है, तो ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरा एक वो कलाकार क्या था, गुंडा राज है, एक वो मोदी जी पे केस करने जा रहा है। अरे भैया यार तू एजुकेशन ले लेता ना थोड़ी, तो तू केस भी कर लेता ढंग से और हर चीज कर लेता, हिसाब उसको चाहिए, नागरिक तो चाहिए, मेरे ऑफिस आ जाओ फ्री में। ओहो ये तो इतना मतलब इतने जो लॉ और इतने वो वेस्ट है, मेरे ऑफिस आ जाओ मैं दिला दूँ। ऐसे वकीलों से बचकर रहे, जागरूक रहे, सतर्क रहे। इसकी खुद की नागरिकता मुझे लग रहा है डाउट में होगी है। ये सोच रहा हूँ अपना गिरोह बना लेता हूँ सबको, ये जाली फर्जी पेपर दे रहा है सबको, ये तो बच के रहो ऐसे लोगों से, इनको ये समझ नहीं आता। और ये फिर मुझे डाउट होता है कि इसकी डिग्री सही है या फिर गलत तरीके से लॉयर बन गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आ रहा। एक तो वो बढ़िया था, हमें स्ट्रांग ओपोजिशन चाहिए, तभी घपले नहीं हो रहे हैं ना बीजेपी के टाइम पे, तो कांग्रेस को ओपोजिशन में ही रखें। बाकी इस पे आपका क्या विचार है आप भी बता सकते हो। भाई देखो यार टू बी फ्रैंक यार कांग्रेस पार्टी एक तरफा तो दिखी नहीं रही कहीं भी अब दिखी नहीं है, एक तरफा नहीं दिखी नहीं वो तो ऐसे कर रहे थे। आईपीएल में टीम बनती है, चार फॉरेन प्लेयर ले आए हैं, दो डोमेस्टिक प्लेयर ले आए, दो इंटरनेशनल प्लेयर ले आए, वो बल्कि वो स्ट्रांग लगती है टीमें। यहाँ तो अलायंस करके भी स्ट्रांग नहीं लग रही कहीं से भी। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। और मुन्ना भाई ने भाई आज भी कई सारे लोगों के पोल खोलिए, बढ़िया। एक वो स्टार्टिंग वो कोई गुंडा कहता है, कोई कुछ कहता है, कहते रहो भैया कहते रहो। और एक क्या है, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ। अबे क्या करेंगे जब मुस्लिम आएगा तभी, अरे भैया यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब जब प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर थे तो क्या हम नहीं मानते उनको प्रेसिडेंट यार। हाँ। यार थोड़ी सी तो अनपढ़ता साबित करो, लेकिन ऑन कैमरा तो मत करो यार, अगर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो तो। गजब लोग हैं, अनपढ़ता साबित करो, ऑन कैमरा मत करो, कैमरा देख के जानबूझ के ज्यादा कर देते हैं ये। एक वो आया था 500 रुपए लाएगा, हमारे 15 बच्चे होंगे 500 रुपए लाएंगे। मैंने कहा भाई तू जा बीमार पड़ जाएगा ना, सारे एक ही बार में चले जाएंगे तेरे। मिलते आपसे एक वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बोले, बाय टेक केयर।